गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग टुडे? टुडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट। जैसा ही आपको पता है कि वर्कशीट स्टार्ट हो गई हैं। फर्स्ट वर्कशीट हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वर्कशीट हमारी फिल इन द ब्लैंक्स की थी, आपने राइट डाउन कर लिया हुआ अपनी अपनी कॉपी में। आज हम सेकेंड वर्कशीट पढ़ेंगे। वर्कशीट सेकेंड में आपका दिया है ट्रू और फॉल्स, तो आपको सेकंड वर्कशीट में ट्रू और फॉल्स पढ़ना भी है और अपनी कॉपी में राइट डाउन भी करना है। ठीक है, जो आप कॉपी में लिखते जाएंगे वो आपको लर्निंग भी करना है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एक ट्रू फॉल्स, फिर आपको होमवर्क के थ्रू ये आपके पास आ जाएगी पिक, तो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और लर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज हम वर्कशीट नंबर सेकंड। वर्कशीट नंबर सेकंड आपकी है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स आपका है, वी ईट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वी ईट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्या हम प्लांट्स के सभी पार्ट्स को खाते हैं? तो हमने पढ़ा था कि हम जो फूड है उसको लीफ के रूप में भी खाते हैं, रूट्स के रूप में भी खाते हैं, फ्लावर्स के रूप में भी खाते हैं, फ्लावर्स के रूप में भी खाते हैं, फ्रूट्स के रूप में भी खाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रू होगा। क्या होगा बच्चों? ट्रू। सेकंड, एनी वेजिटेबल कैन बी रिटर्न रॉ। कोई वेजिटेबल आप रॉ मीन्स कच्ची खा सकते हैं। यस, बिल्कुल खा सकते हैं। ट्रू। ग्रेन्स ऑफ मेज आर यूज टू मेक पॉपकॉर्न। ग्रेन्स मतलब कि अनाज। ठीक है, मेज मतलब मक्का, तो मक्का का यूज़ हम पॉपकॉर्न बनाने में करते हैं। ये ट्रू है, बच्चों को पॉपकॉर्न बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो जो आप पॉपकॉर्न खाते हो वो किससे बनता है स्टूडेंट? मक्के से। डक कैन नॉट स्विम। डक बतख, क्या बतख नहीं तैरती है? गलत, मतलब तैरती है। ठीक है, तो यहाँ कैन नॉट दिया इसलिए हम क्या लिख देंगे इसमें? फॉल्स। टर्मिट कैन फ्लाई। टर्मिट आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि जिनमें विंग्स नहीं होते, तो टर्मिट जो होते हैं वो उड़ नहीं पाते हैं। ऑल एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, क्या सभी एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं? नहीं, फॉल्स। फॉरेस्ट में वो एनिमल्स रहते हैं जिनको हम घर में नहीं रख सकते, जैसे लॉयन, टाइगर, पैंथर, चीता, बियर, मंकी। ठीक है, इस टाइप के। वीट इज अ सीरियल। वीट इज अ सीरियल, वीट जो है वो सीरियल है, सीरियल मतलब अनाज। ठीक है, तो ये ट्रू है। अब पटैटो इज अ स्टेम, पटैटो जो है वो स्टेम है, तो ट्रू। स्टेम मतलब जो तना रहता है। ठीक है, तो पटेटो जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है और उसका स्टेम में के थ्रू हम उसको निकाल लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं। ट्रू। लाइक ह्यूमन बींग्स, हम भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 है आपका, वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपनी सराउंडिंग मतलब हमें अपनी चारों तरफ क्या सफाई रखनी चाहिए। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। वी शुड थ्रो द गार्बेज इन अ डस्टबिन। वी शुड थ्रो द गार्बेज इन अ डस्टबिन। गार्बेज मतलब होता है कचरा, तो जो हमारा कचरा रहता है वह हमें कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में। कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में। वाटरमेलन हैज़ मैनी सीड्स। वाटरमेलन, आपने तरबूज खाया होगा। ठीक है, बच्चों को बहुत पसंद होता है, क्यों? क्योंकि उसका कलर भी रेडिश होता है और वो स्वीट यानी कि बहुत मीठा होता है, रसीला होता है। ठीक है, इसलिए वाटरमेलन सभी को बहुत पसंद होता है। तो वाटरमेलन में आप देखेंगे बहुत सारे ब्लैक ब्लैक सीड्स रहते हैं, बीज रहते हैं। ठीक है, तो वाटरमेलन हैज़ मैनी सीड्स, तो ये भी ट्रू है। तो स्टूडेंट, आपके ट्रू फॉल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे या अपने घर में किसी बड़े से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स है, बहुत इजी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। आपका टुडे का होमवर्क यही रहेगा कि आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट,
ठीक है, तो मैं आपको इसको होमवर्क के थ्रू सेंड कर दूँगी पिक, तो आप उसमें से देख के अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। बख्शिश नंबर सेकंड डेट के साथ लिखेंगे, ठीक है। डेट के साथ लिखने के बाद जब आपका वर्क हो जाता है तो आप विथ नेम अपने होमवर्क वाले ग्रुप में सेंड करेंगे। पर्सनली कोई मेरे नंबर पर सेंड नहीं करेगा, ग्रुप बना दिए गए हैं, आप ग्रुप में सेंड करिए। ओके, नाउ टुडे क्लास इज ओवर हेयर।